महादेव अपने उग्र रूप में आकर के कब किसको भस्म करते कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 बैटिंग एप्लीकेशन को बैन किया है, जिसमें से एक महादेव बैटिंग एप्लीकेशन भी था। अब इस कांड में कुल 30 से भी ज्यादा लोगों पर FIR हुए, जिसमें से एक डाबर ग्रुप के चेयरमैन का भी नाम था। और अगर इंडिया में बैटिंग एप्स के मार्केटिंग सर्च को देखें तो वो है करीब करीब $2 बिलियन। अब इंडिया में IPL एक बहुत बड़ा इवेंट है। वैसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट के माने तो 340 मिलियन से ज्यादा लोगों ने क्रिकेट बैटिंग पर अपना सट्टा लगाया था। अब ये नंबर इतनी बड़ी है कि इस नंबर पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो पूरे यूरोप की टोटल पॉपुलेशन होगी। अब बैटिंग करना कोई एक अच्छी आदत नहीं है, और कई बार ऐसे में आपके फेवरेट सुपरस्टार भी इन सभी चीजों को प्रमोट करते हुए दिख जाते हैं। पर देश बदलना और हमें फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, पर अपना हीरो नहीं। बैटिंग ऐप और फैंटेसी गेमिंग ऐप में बहुत डिफरेंस है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, पर इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आपने कभी न कभी तो फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के बारे में सुना ही होगा। तो अगर करंटली देखो तो इंडिया में फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन में सबसे बड़ी कंपनी ये है, और इस समय इस कंपनी की टोटल वैल्यू है $8 बिलियन। और अगर हम लोग फैंटेसी गेमिंग ऐप इंडस्ट्री को देखें तो वो काफी बड़ी है। अब कुछ रिपोर्ट के माने तो इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट साइज 2023 में करीब $29 बिलियन के आसपास थी, जबकि ये 2022 में सिर्फ $25 बिलियन के आसपास थी। और कुछ प्रोजेक्शन ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें ये पता चलता है कि 2030 तक ये करीब $72 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। अब जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा हो वहाँ मोदी जी कैसे पीछे रह सकते थे। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में इन गेमिंग एप्लीकेशन पे 28% का GST लगाया। उसके बाद इंडिया में ऑपरेट होने वाले जितने भी फैंटेसी गेमिंग ऐप है सबको GST नोटिस भेजा, जिसका टोटल वैल्यू था ₹1,00,000। अब इन डेटा से ये तो पता चल रहा है कि इंडिया में बैटिंग और फैंटेसी गेमिंग दोनों का लत और बिजनेस बढ़ रहा है।